नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई सौगात देंगे। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही अलीगढ़ में इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया। पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के साथ ही वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री अलीगढ़ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी को भी देखने जाएंगे। पीएम के इस दौरे को यूपी में बीजेपी के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम के दौरे की वजह से पूरा शहर पोस्टर और बैनरों से पटा नजर आया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज अलीगढ़ दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और इसी को लेकर तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं अलीगढ़ में। इसके बाद पीएम वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल ही इस पूरे तैयारियों का जायजा लिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा है, जहां पर वो कई सौगात देने वाले हैं। करीब 12 बजे पीएम मोदी महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मार्क्सवादी माना जाता था, ने लेफ्टिस्ट विचारधारा का, जो संघ विचारधारा के बिल्कुल उलट है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उनके नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। हालांकि जो माहौल है वो ये बताया जा रहा है कि जो जाट नाराज हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर जाटों को खुश करने की रणनीति पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है इसके उलट कि 2019 में ही जब जाट नाराज नहीं थे, जब आंदोलन नहीं चल रहा था, उसी समय इगलास उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय को राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनाने की घोषणा कर दी। और योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके लिए राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी, उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान एएमयू की तरफ से नहीं मिला, तो इस वजह से उनको सम्मान देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। चाहे वो दूसरी विचारधारा के हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि ये भव्य प्रोग्राम आज मोदी सरकार के द्वारा और योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैसेज यही है कि विचारधारा अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर देश हित में, समाज हित में कोई भी होता है और उसे इतिहासकार जगह नहीं देते हैं, तो संघ परिवार उसके साथ है, मोदी सरकार उसके साथ है। और आज अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास भी करेंगे। और अलीगढ़ से इस वक्त जसप्रीत कौर हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। जसप्रीत, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले क्या तस्वीर है इस वक्त अलीगढ़ की? बिल्कुल शिवानी, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का और देखिए कि मंच तैयार हो चुका है। विशालकाय मंच यहां पर तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश में कहावत है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का सूरज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलता है। तो जाटलैंड में पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले हैं और जो यहाँ पर आधारशिला वो रखेंगे, देखिए यहीं पर यूनिवर्सिटी जो कि 83 एकड़ में होगी और 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा, ऐसे में 10 करोड़ से ज्यादा की पहली किश्त भी जारी हो चुकी है और जो यूनिवर्सिटी है ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए शिवानी, आपने तैयारियों की बात की, ये कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है, लोगों का आना शुरू हो चुका है, भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग से पंडाल बनाया गया है और वो खचाखच भरा हुआ है, यानी कि वहां पर आपको एक भी सीट खाली नजर नहीं आएगी। इसके अलावा जो पंडाल है ये वाटर प्रूफ है, देखिए लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, आपको मटकी नजर आ रही होगी, यहाँ पर लोग प्यासे ना रहे इसके लिए पानी का इंतजाम भी किया गया है, साथ ही यहाँ पर पंखे भी लगाए गए हैं और इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। देखिए अभी 11 बजने को है, पीएम के आने में लगभग 1 घंटे का वक्त है, ऐसे में अब से कुछ देर में यहाँ पर पूरी भीड़ जुट जाएगी। इसके अलावा यूपी सरकार के कुछ मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और शिवानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि जाट महाराजा थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा
बड़ा योगदान था, तो उन्हीं के जरिए एक संदेश है कि जो किसान आंदोलन की वजह से जाट वोट बैंक खिसकने का बीजेपी को डर है, क्योंकि हमने देखा कि 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, जाटों ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब ये वोट बैंक संभावित तौर पर खिसक सकता है, इसको लेकर के ये नींव रखी जाएगी। जहां पर ये आधारशिला रखी जाएगी, यहां पर आप देखिए जो इंतजाम किए गए हैं, दरअसल इस यूनिवर्सिटी में रोजगार की पढ़ाई होगी, यानी कि जो रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे उसको लेकर के कोर्सेज होंगे। पहली बार देश में किसी यूनिवर्सिटी में डिफेंस की पढ़ाई होगी। 2023 तक ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज के कॉलेज जुड़ेंगे। तो मकसद बहुत बड़ा है, और देखिए पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से काम टल गया था। और ये भी कहावत है यूपी में मशहूर, देखिए कि जिसके साथ जाट उसी की खाट, और इसी को एक तो बहुत सारे मकसद है, चुनावी मकसद है, बीजेपी का ट्रंप कार्ड होगा ये, यहाँ से अलीगढ़ से इस मंच से। और आप देखिए ये जो व्हाइट कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये वीआईपी कुर्सियां हैं, लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, और यहाँ पर पारंपरिक कार्यक्रम भी होंगे, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं, जहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, और एक एक करके बच्चे भी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और बच्चे तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं लगातार, अब कुर्सियां वहां पर पटी पड़ी हुई हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी अब वहां पर पहुंच जाएंगे। वहीं उत्तर